चार किसान टंकी पर उतरे हैं और रजेक्स को थे, कोई बैठने जगह नहीं है, डेढ़ फुट को मात्र एरियो है। और थाने दिखावा बहुत ही जर्जर हाथ में पैड़ी है, यह देखो नीचे ईंटा पाटी पड़ी है, लेटर में तरेड़ आ रही है और ये पैड़ी है नहीं, नीचे थाने दिखावा हटा कम से कम 100 फुट नीची है। और इन ऊपर दिन में मने ऊपर चढ़नो भी पड़े, नीचे आनो पड़े, तो बरता ध्यान पकड़े जोड़ो पकड़े आखी तकड़ो, तो जोड़ के सारे जानो पड़े है, जमा है जमा लुआ लग रही है, जमा जर्जर हालात है, देख सको थे तो थाने दिखाने के मकसद हो कि कितनी जान जोखिम में डालनी पड़े इनकी कमी सरकार खातर। देखो थे फिर भी 3 महीना हो गया, सारा बाजा बाजा जाके देख लिया, पर एक जून तक ही कौन होगी ये सरकार के, देख सको थे जमा जर्जर बात है। जय होना दिखा दी, जय जवान जय किसान साथियों, आप ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गांव नारायण खेड़ा के वाटरवर्क्स की टंकी है ये, जहाँ पे हम चार किसान साथी आज 2 अगस्त के सुबह 3 बजे से चढ़े हुए हैं और जो सरकार ने 2022 का बीमा क्लेम अभी तक नहीं डाला किसानों के खाते में, जो 31 मार्च को मिल जाना चाहिए था और आज 5-8 महीने की 2 तारीख हो चुकी है। किसान साथियों आप नीचे का दृश्य देखो एक बार सभी साथी कृपया नीचे का दृश्य देखें, कम से कम 100-150 की फुट की टंकी है ये। और यहाँ आने के बाद अब आप देखो, यहाँ आने के बाद इसके ऊपर फिर कम से कम 20 फुट और ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप मैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो हालात खराब, हमने तो रस्से से इसको 20 फुट और ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस ऊपर चढ़ने के दौरान ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इसकी हालत बहुत खस्ता है, इसकी हालत आपको बता देता हूँ मैं, जोड़ो सागे पड़े रखो, इसकी हालत बहुत खस्ता है। इस करके हमने ऊपर चढ़ने के लिए ये देखो आप, हमने इस रस्से का प्रयोग किया है ताकि इसकी मजबूती की जा सके। साथियों जब पहली दफ़ा हम चढ़े थे ये सारी सीढ़ी हिल रही थी, फिर हम एक बंदा ऊपर चढ़ गया था धीरे धीरे करके, बाकी चढ़ने लगे तो ये हिल रही थी चारों तरफ से इस रस्से के माध्यम से, इस रस्से के माध्यम से फिर हमने इसको मजबूत किया। साथियों ये आप देख सकते हो कि कितना रिस्की काम है, 125 से प्लस जब ऊपर जाते हैं तो नीचे जो अपने किसान साथी हैं या कोई साधन है व्हीकल है वो सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरफ दिखते हैं, आप देख भी सकते हैं लाइव वीडियो के अंदर। परंतु मेरा विशेष मोटाने का मकसद यही था, ये जो 20 फुट की सीढ़ी है बिल्कुल नाजुक है, इसको हमने चारों तरफ से ऊपर दिखाओ इनको वहाँ तक चढ़ के फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। और बाथरूम वगैरह करने के लिए बस सिर्फ नीचे आते हैं उसके बाद ऊपर, परंतु उसकी हालत जो है आपको बता दे देख सकते हो आप ये। और ये रस्सा देखो आप, हमने फिर ये रस्सा बांधा इस जान साथियों, परंतु हमने एक निर्णय यही लिया था कि जब तक किसानों का बीमा क्लेम नहीं आएगा हम किसान साथी घर नहीं जाएंगे, और चाहे हमें इतनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हमें चाहे कितना ही बड़ा कोई फैसला नहीं लेना पड़े चाहे। और हमने ये जो फैसला लिया है किसान साथियों, आज धरती से कम 125 फुट ऊपर बैठे हैं अपनी किसानी कौम के लिए और अपनी किसानी सरकारी का सिर ना चुके। और ये जो सरकार है BJP की सरकार, ईस्ट इंडिया 2 कंपनी की सरकार, इसको बता देना चाहते हैं कि आज के युग में भी भगत सिंह के वंशज हम हैं, हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, परंतु ये जो लड़ाई है बीमा क्लेम की है लड़के और किसान का सर ऊंचा करने का काम करेंगे। साथियों जय जवान जय किसान।